7744 का वर्गमूल कैसे निकालें। दोस्तों, वर्गमूल को हम गणित में अनरूट चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और अभी हम यहाँ पर अपना भाग विधि को काम में लेंगे, यानी बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। इस विधि में करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ आसान से स्टेप है। देखिए, दो अंकों को एक साथ ले अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े, दो अंकों को साथ ले अंडरलाइन कर दिया, कितना आ गया, 77। अब दोस्तों, हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आ रहा है, जैसे 8 गुणा 8 किया, कितना आ रहा, 64। ये 77 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं है। जैसे 8 से बड़ी संख्या लेकर देखें हम, 9 गुणा 9 कितना आ गया, 81, जो आपका 77 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, इसको हमने नहीं लिया। जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिख देना है। अगला स्टेप क्या है, इनको जोड़ना है, इसको घटाना है, और इसके साथ हम अगले दो अंकों की संख्या को ले आते हैं। ठीक है, आसान है। अब इसके साथ जैसे मैं 8 लेता हूँ, 8 का गुणा करता हूँ, फिर वही ध्यान रखेंगे कि इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ तो संख्या का खुद के साथ गुणा किया था, ठीक वैसे ही यहाँ क्या करना, इसके साथ संख्या लेना, उसी का मल्टीप्लाई करना है। 8 × 8 = 64, 6 के चला गया, 8 × 6 = 48, और 6 कितना 54, 5 के आ गया, 8 × 5 = 13। किसको लिया हमने, 8 को, यहाँ लिख दो, फिर माइनस किया, 0 आ गया। यह जो आपका संख्या निकल कर आया कितना, 88, यह है 7744 का वर्गमूल का वैल्यू है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपना वर्गमूल निकालते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जल्दी नीचे कमेंट कर बताओ। 49 का वर्गमूल कैसे निकालें। दोस्तों, वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, और इसको अनरूट सिंबल के द्वारा लिखा जाता है। अभी हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। करना क्या दोस्तों, इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। ये आपके 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या है। हमने 2 का डिवाइड चेक किया, नहीं हो रहा है, 3 का नहीं हो रहा है, 5 का नहीं हो रहा है, लेकिन 7 का डिवाइड हो रहा है। यहाँ डिवाइड होने का मतलब क्या है, आपका कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, पूरे का पूरा भाग जाना चाहिए। कितनी बार चला गया, 7 बार, 7 में 7 का भाग दिया, 1 बार, तो 49 के आपके क्या आ गए, 7 × 7। हमें क्या चाहिए, इसका अनरूट का वैल्यू चाहिए। दो समान संख्या को साथ लिया, जोड़ा बना दिया, और उस संख्या को एक बार यहाँ लिख दिया, यह जो वैल्यू निकला ये आपका 49 का वर्गमूल का वैल्यू। ओके, आसान लगा, कमेंट कर बताओ। 8281 का वर्गमूल कैसे निकालें। वर्गमूल को दोस्तों हम अनरूट चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, ये तो आप जानते होंगे। यहाँ पर हम अभी भाग विधि को काम में लेंगे, तो दोस्तों भाग विधि में करना क्या है उसको समझते हैं। दो संख्या को साथ ले अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे दो संख्याओं को साथ ले अंडरलाइन कर दिया, कितना आ गया, 82। जैसे हम 9 × 9 करते हैं, कितना आता है, 81। देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पर हम 1 से 9 तक संख्या को चेक करते हैं, संख्या लेते हैं, उसका खुद के साथ गुणा करते हैं, गुणा करने पर जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 81। ये इस 82 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये आपका बड़ा नहीं है, तो हाईएस्ट देखिए हम 9 × 9 ही ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना 9 × 9 ले लिया, इसका गुणा यहाँ लिखना है। जिस संख्या को लेते हैं एक बार यहाँ ऊपर लिखना होता है, फिर इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है, और अगली दो अंकों की संख्या को हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब इसके साथ जैसे मैंने 9 लिया, 9 का गुणा किया, तो दोस्तों बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन 1 लिया, 1 का गुणा किया, कितना, 181 आ गया, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। किसको लिया हमने, 1 को लिया, फिर इसको माइनस किया, 0 आ गया, और आगे हमारे पास कोई ग्रुप नहीं, यानी प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये जो आपका निकला वैल्यू कितना, 91, ये इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। 4489 का वर्गमूल कैसे निकालें। दोस्तों, इसको हम अपना अनरूट चिन्ह के द्वारा लिखते हैं,
और अभी हम मेथड काम में लेंगे आपका, भाग विधि, और बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझेंगे। एक बार समझना इस मेथड को, उसके बाद आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए करना क्या है, उसको समझते हैं। दो संख्याओं को साथ ले अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े, दो संख्याओं को साथ ले अंडरलाइन कर दिया। आगे हमारा कितना आ गया, 44। इस 44 के लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 44 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने 6 गुणा 6 किया, 36 आ रहा है, 44 से बड़ा नहीं है। आगे 7 गुणा 7 किया, कितना आ गया, 49, 44 से बड़ा आ गया। इसको नहीं लिया, इसको लिया। ओके, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसको हमने, 6 को लिया, यहाँ लिख दो, इसका गुणा यहाँ लिख दो। फिर इनको जोड़ना है, इसको घटाना है, ठीक है, कितना 8 आ गया। और अगली 2 अंकों की संख्या को हम यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे मैंने 7 लिया, 7 का गुणा किया, 7 में 7 49, 4 करे चला गया, 14, 4 18, 1 करे चला गया, 7 1 8। किसको लिया हमने, अपना 7 को। यह जो वैल्यू निकला ये इसका अनरूट का वैल्यू है। फिर हमने जैसे माइनस किया, 0 आ गया। तो इस तरीके से हम अपना दोस्तों भाग विधि के द्वारा क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। वीडियो कैसा लगा जल्दी नीचे कमेंट कर बताओ। ऐसे मस्त मस्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर अभी तुरंत विजिट करो। 9801 का वर्गमूल कैसे निकाले। वर्गमूल को दोस्तों हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, और इसको अनरूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जो मेथड काम में लेने वाले हैं वो है आपका भाग विधि, यानी भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इंग्लिश में लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। इस मेथड में करना क्या है उसको समझते हैं। 2 अंकों को साथ ले अंडरलाइन कर दिया, 2 अंकों को साथ ले अंडरलाइन कर दिया, कितना आ गया, 98। इस 98 के लिए जैसे हम 9 मल्टीप्लाई 9 लेते हैं, कितना आता है, 81। क्या है, लेस देन 98, यानी ऐसे समझिए यहाँ पर हम 1 से लेकर 9 की रेंज में संख्या को ट्रायल करते हैं। खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो आपका इस संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कितना आ रहा है, 81, बड़ा नहीं है, ठीक है, हमने इसको ले लिया। ओके, कितना आ रहा है, 81। जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, फिर इसको जोड़ा जाता है, इसको घटाया जाता है, और अगले जो 2 अंकों की संख्या है इसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ जैसे मैंने 9 लिया, 9 का गुणा किया, कितना, 99 81, 8 के लिए चला गया, 9 8 72, और 8 कितना, 80, 8 के लिए आ गया, 9 8 17। किसको लिया हमने, अपना 9 को लिया, यहाँ लिख दो। फिर माइनस किया, 0 आ गया। यह जो आपका वैल्यू निकला है कितना, 99। यह इसका वर्गमूल का वैल्यू है। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें। मैं सुरेंद्र खिलेरी आपको इस तरह के लगातार वीडियोस देता हूँ। 12,000 चिन्हों का वर्गमूल कैसे निकालें। दोस्तों वर्गमूल को हम अनरूट चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, और इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। यहाँ पर हम अपना डिवीजन मेथड यानी भाग विधि को काम में लेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आपको करना क्या है उसको समझते हैं। 2 अंकों को साथ ले अंडरलाइन कर दिया, 2 अंकों को साथ ले अंडरलाइन कर दिया। आगे आपके पास 1 अंक की संख्या आ गया, कितना, 1। अब ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर आपका जो वैल्यू आ रहा है ये इस 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, इस 1 के बराबर या इस 1 से छोटा। तो 1 गुणा 1 लिया, 1 आ रहा है जो इस 1 के बराबर है, तो हमने 1 गुणा 1 ले लिया। इसको यहाँ लिख देंगे, जिस संख्या को लेंगे यहाँ पर ऊपर लिखा जाएगा, उसके बाद इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, 1 - 1 0 आ गया। और अगले 2 अंकों की संख्या को हम यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे मैंने 0 लिया, 0 का गुणा किया, कितना आ रहा है, 0। यदि हम 2 के साथ 1 लेते हैं, 1 का गुणा करते हैं, तो भी आपका 21 आ रहा है जो इस 20 से बड़ा है। तो बड़ा तो ले नहीं सकते, किसको लिया, 0 को। फिर वही आपका माइनस प्लस का स्टेप रिपीट हुआ, और अगले अंकों को यहाँ ले आए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचिए दोस्तों, हम इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसी का मल्टीप्लाई करें कि हमें यह मिलना चाहिए,
यानी इससे बड़ा नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए, हमने विचार किया, तो जैसे इसके साथ मैं यदि 6 लेता हूँ, 6 का गुणा करता हूँ, काम बन नहीं रहा है, ठीक है। 7 लिया, एक मिनट मैं यहाँ करके देखता हूँ, 8 लिया, 8 का गुणा किया, 8 8 64, और ये 16 आ गया। यदि हम 9 लेते हैं, 9 का गुणा करते हैं, सॉरी दोस्तों, हाँ 9 लेते हैं, 9 का गुणा करते हैं, तो आपका 99 81 और इतना आ गया, ठीक है। किसको लिया हमने? अपना 9 को लिया, यानी 109 पॉइंट कुछ आएगा। फिर माइनस करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पे माइनस किया, कितना आ गया? 5 1 और 2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं संख्या को, 0.00, आप कहेंगे हाँ, दो दो जीरो को एक साथ अंडरलाइन कर दो। इन डबल जीरो को यहाँ ले आते हैं, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ओके, ये पॉइंट आपका वहाँ चला जाता है। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसी का मल्टीप्लाई करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, तो इसको जांचा जाएगा, ठीक है, चलिए जांचते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं देखता हूँ, यदि 9 को लेता हूँ, 9 का गुणा करता हूँ, तो 99 81, आपका 8 कैरी चला गया, 9 8 72 8 80, कितना 8 कैरी आ गया, 9 8 17 1 कैरी आ गया, 9 18 1 19। किसको लिया दोस्तों हमने? 9 को। आगे इस प्रकार से चलता रहेगा, माइनस प्लस करते जाओ और फर्दर कैलकुलेशन करते रहो। यह जो 109.9 है, यह इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। 50 का वर्गमूल कैसे निकालें? वर्गमूल को दोस्तों इंग्लिश में हम स्क्वायर रूट कहते हैं, और इसको अनरूट सिंबल के द्वारा लिखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसको हम एक साथ लेकर चलेंगे, कितना बन गया? 50। और यहाँ पर जो मेथड काम है लेने वाले, वो भी बताना चाहूँगा, भाग विधि काम है ले रहे हैं, यानी डिवीजन मेथड। तो इसमें आपकी 2 अंकों को एक साथ लेकर चलते हैं, कितना बन रहा है? 50। तो अब ऐसी संख्या लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर, ये संख्या लेते हैं 1 से लेकर 9 तक, जो संख्या बन रहा है कितना बन रहा है? 49। ये इस 50 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 49 50 से बड़ा नहीं है, तो हमने 7 गुणा 7 ले लिया। आगे आप चेक कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, आपका 50 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। आगे एक बड़ी लेती है, बड़ा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ओके, ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात। अन्य वीडियो देखिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। 7 को यहाँ लिख दिया, फिर इनको जोड़ना है, घटाना है। 50 को ऐसे लिख सकते हैं, 0.00, आप कहेंगे हाँ, दो दो जीरो को एक साथ अंडरलाइन कर दिया, इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और अगले डबल जीरो हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसके साथ यदि हम 1 लेते हैं, 1 का गुणा करते हैं, तो भी 100 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, कितना आएगा? 141 आ रहा है, जो कि 100 से ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है, 0 का गुणा किया जाता है। किसको? 0 को लिया। फिर वही आपका प्लस माइनस का स्टेप रिपीट हो गया। इसके साथ हम अगले डबल जीरो ले आते हैं। अब दोस्तों, इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसी का मल्टीप्लाई करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने 8 लिया, 8 का गुणा किया, तो 4 8 32, 3 कैरी चला जाएगा, 8 3 11, ज़्यादा आ रहा है। 7 लिया, 7 का गुणा किया, तो यहाँ पे काम बन रहा है, देखिए 7 7 49, 7 4 28, 2 कैरी आ गया, 9 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। किसको लिया? अपना 7 को लिया। फिर वही आपका माइनस प्लस, आगे स्टेप रिपीट करते जाओ, फर्दर कैलकुलेशन कर लो। ये आपका यहाँ पर वर्गमूल का वैल्यू निकला है, कितना? 7.07। धन्यवाद। 8 का वर्गमूल कितना होता है? वर्गमूल को दोस्तों हम स्क्वायर रूट कहते हैं, और इसको गणित में अनरूट चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम अपना भाग विधि को काम में लेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिवीजन मेथड कहते हैं, ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैंने बता दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर आप 1 से लेके
9 तक की रेंज में संख्या लेते हैं। कैसे लेते हैं उसको समझते हैं। संख्या लेते हैं, उसका खुद के साथ गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है वो आपका 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 गुणा 2 लिया, 4 आ रहा है, 8 से बड़ा नहीं है, ठीक है, बैठ गया। आगे दी 3 गुणा 3 ले, 9 आएगा, जो 8 से बड़ा है, बड़ा तो लेना नहीं है, ठीक है। फिर इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, इसके साथ ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.00। आप कहेंगे हाँ, दो दो जीरो को एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं और इसके साथ अगले 00 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, देखिए समझना है बस। अब दोस्तों, मैं यदि इसके साथ जैसे 6 लिया, 6 का गुणा किया, तो बहुत कम आ रहा है ये तो, एक मिनट है। 7 लेते हैं, 7 का गुणा करते हैं। यदि 8 लेते हैं, 8 का गुणा करते हैं, तो 8 8 64, 8 का मामला बैठ रहा है। 8 8 64, 6 कैरी चला गया, 4 8 32, 6 कितना 38, किसका बैठा, 8 का मामला बैठा। फिर माइनस करना है, प्लस करना है, कितना आ गया, 56 आ गया। यहाँ पे 6 और 1, इसके साथ हम अगले 00 ले आते हैं। अब इसके साथ फिर कौन सी संख्या लें, उसका मल्टीप्लाई करें कि हमें यह मिलना चाहिए या ऐसे छोटी संख्या मिलना चाहिए, सोचो आप। तो 3 लिया, 3 का गुणा किया, इससे बड़ा आ रहा है। 2 लिया, 2 का गुणा किया, ठीक है, माइनस करना है, प्लस करना है, किसको लिया, 2 को यहाँ लिख दो। तो इस तरीके से ये आपका वर्गमूल का वैल्यू निकल जाता है, 2.82। धन्यवाद। 24 का वर्गमूल का वैल्यू कैसे निकालें। वर्गमूल को दोस्तों इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और इसको गणित में हम अंडरूट चिन्ह के द्वारा लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम अपना डिवीजन मेथड काम में लेने वाले हैं, यानी भाग विधि से। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर कितना है आपका, 24 है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब ये 2 अंकों की संख्या है, देखिए भाग विधि में 2 अंकों को एक साथ लेकर चलते हैं, ऐसे समझे। तो इस 24 के लिए यहाँ पर हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का ट्रायल करेंगे। ऐसी संख्या लेना जिसका खुद के साथ गुणा करने पर, ध्यान से सुनो, 24 से बड़ा नहीं आना चाहिए। जैसे हमने 4 गुणा 4 लिया, कितना आ रहा है, 16, 24 से बड़ा नहीं है। आगे जैसे यदि हम 5 गुणा 5 देखें, कितना आ जाएगा, 25, जो 24 से बड़ा है, इसको हमने नहीं लिया। फिर इसको तो जोड़ना है, इसको घटाना है, इसके साथ देखिए 0.00 लिख सकते हैं। 2 2 0 को एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं, इसके साथ अगले 00 यहाँ लिख देते हैं। आसान है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसी का मल्टीप्लाई करें कि आपका 800 से बड़ा नहीं आना चाहिए। सोचो एक बार, टाइम देता हूँ मैं आपको। 9 लेते हैं, 9 का गुणा करते हैं, 800 से बड़ा आ रहा है। 8 लिया, 8 का गुणा किया, 8 8 64, 6 के रे चला गया, 8 8 64 और 6 कितना, 70, किसको लिया, 8 को यहाँ लिख दो। फिर वही आपको ऐड करना है और इसको माइनस करना है, कितना, और इसके साथ हम अगले 00 ले आते हैं। इसके साथ जैसे 9 लिया, 9 का गुणा किया, 99 81, 8 के लिए चला गया, 9 संग 54 और 8 कितना, 62, 6 के लिए आ गया, 99 81, 6 कितना, 87 आ गया। माइनस करना है, प्लस करना है, किसको, हमने 9 को लिया। ये आपका जो वैल्यू निकला कितना, 4.89, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। आसान है। 40 का वर्गमूल कितना होता है। वर्गमूल को दोस्तों इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और गणित में इसको अनरूट सिंबल के द्वारा लिखा जाता है। अभी हम यहाँ पर अपना भाग विधि को काम में लेंगे, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, लॉन्ग डिविजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वो भी 2 अंकों की संख्या का, यानी 2 डिजिट नंबर के लिए। तो दोस्तों इसके लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करते हैं
जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू आ रहा है, जैसे 6 × 6 किया 36 आया, ये आपका 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए। आगे जैसे हम 7 × 7 करते हैं, कितना गया 49, 40 से बड़ा है तो हमने इसको नहीं लिया, इसको लिया, इसको 6 × 6 को कितना आ रहा है 36, जिसको लेंगे एक बार यहाँ लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, इसको माइनस करना है। अब 40 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हम 0.00, ठीक है, आप कहेंगे हाँ, दो दो जीरो को एक साथ अंडरलाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं और अगले डबल जीरो यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब इसके साथ जैसे मैं 3 लेता हूँ, 3 का गुणा करता हूँ, कितना 9 6 3, 400 से बड़ा नहीं आ रहा है। इसको लिया 3 को, यहाँ ऊपर लिख दो साइड में, जैसे ऊपर यहाँ लिखना होता है, जगह नहीं तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद वही आपका क्या करना होता है, जोड़ना होता है, घटाना होता है, कितना आ गया 1 3। इसके साथ हम अगले डबल जीरो ले आते हैं, इसके साथ कौन सी संख्या लें उसका मल्टीप्लाई करें कि आपका इससे बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 2 लिया, 2 का गुणा किया, कितना 4 12, 1 1 लगा, 4 1 5, देखिए इससे बड़ा नहीं आ रहा, किसको लिया 2 को। यह जो वैल्यू निकला ये आपका 40 का स्क्वायर रूट का वैल्यू। आगे इस प्रकार से रिपीट होता रहेगा, माइनस प्लस। अब जहाँ तक फर्दर कैलकुलेशन करना चाहते हैं वहाँ तक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें, सुरेंद्र खिलेरी। इस संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें? वर्गमूल को दोस्तों इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और गणित में अंडर रूट चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। अभी हम जो मेथड काम में लेने वाले हैं वो है दोस्तों आपका भाग विधि। बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से समझेंगे। दो अंकों को साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया, दो अंकों को साथ लिया, अंडरलाइन कर दिया, अंदर कितना बन गया आपका 44, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू आ रहा है, जो संख्या आ रहा है, वो आपका 44 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 6 × 6 गया 36 आ रहा है, जो 44 से बड़ा नहीं। आगे यदि हम देखें 7 × 7 49 आ रहा है, देखिए 44 से बड़ा है, तो हमने इसको नहीं लिया, 6 × 6 को लिया। इस बात को समझना ज़रूरी है, जिस संख्या को लेंगे एक बार ऊपर लिख देना है, फिर आगे वही आपका जोड़ना है, घटाना है। किसको काम में ले रहे हैं? भाग विधि को काम में ले रहे हैं, ठीक है। कितना आ गया आपका? इसके साथ हम अगले दो अंकों की संख्या को ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे मैंने 7 लिया, 7 का गुणा किया, 7 × 7 49, 4 कैरी चला गया, 14 4 18, 1 कैरी आ गया, 7 1 8, किसको लिया 7 को। यह जो वैल्यू निकला ये आपका इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू। आगे माइनस करते 0 आ गया। आगे आपके पास कोई संख्या नहीं है, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आसान है, इस तरीके से हमने अपना इसका वर्गमूल का वैल्यू निकला, कितना निकला 67। 108 का वर्गमूल कैसे निकाले? वर्गमूल को दोस्तों हम अपना इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं और गणित में इसको अंडर रूट चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है, ये आप जानते हैं। मेथड काम में लेने वाले हैं भाग विधि, जो कि बहुत आसान मेथड है। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविजन मेथड। दो अंकों को साथ ले अंडरलाइन कर दिया, आगे बढ़े, एक अंक की संख्या आ गया, कितना 1। इस संख्या के लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे 1 से लेकर 9 की रेंज में, ठीक है, जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो संख्या आ रहा है, यह संख्या इस 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे 1 × 1 लिया, 1 आ रहा है, जो 1 से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं का मतलब क्या है? या तो इसके बराबर होगा या इससे कम। ये इसके बराबर आ गया तो हमने 1 × 1 ले लिया, कितना आ रहा है 1। जिस संख्या को लेंगे एक बार यहाँ लिख देना है, फिर इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, 1 − 1 0 आ गया। और अगली दो अंकों की संख्या को यहाँ ले आते हैं। अब दोस्तों कितना बन रहा है 2, 2 के साथ यदि 1 लेते हैं, 1 का गुणा करते हैं तो भी आपका 21 बन रहा है। यहाँ कितना बन रहा है 8, 8 से बड़ा आ गया, तो बड़ा वाला तो लेना नहीं है। ऐसी कंडीशन में किसको लिया जाता है? 0 को लिया जाता है। कितना 0 आ गया, 0 को यहाँ लिख दिया। फिर हमें माइनस करना है, प्लस करना है, कितना आ गया 8। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.00, दो दो अंकों को एक साथ अंडरलाइन कर दिया। इस पॉइंट को हम
यहाँ ले आते हैं और अगले डबल ज़ीरो को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे इसके साथ मैं चार लेता हूँ, चार का गुणा कर रहा हूँ, आठ से बड़ा आ रहा है, लेकिन तीन लिया, तीन का गुणा किया से ज़ीरो, सॉरी सॉरी दोस्तों, नौ ज़ीरो छः, उल्टा मैं उल्टा समझ गया। ठीक है, इसको पहले गुणा कर दिया, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। तो किसको लिया हमने, अपना तीन को लिया, फिर माइनस करना है प्लस करना है, ऐसे आपका ये आगे बढ़ता रहेगा। ये जो वैल्यू निकला कितना, 10.3, ये इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू है।